हेलो, कोई चिंता मत करो। हेलो, हमारो जादे है वो आमासा। के भैया गंगा जी को और नहा बनो और कोई संतन का व्यवहार भैया डूब जाओ तो हेलो मैया मचा रहे हैं जैसा कि ऋषियों की जो परंपरा होती है उसी परंपरा के आधार पर, क्योंकि आज माहौल हमारे बुजुर्ग हमारी माता बहनें सामने बैठी हैं। ऋषियाबादी को लोग बुरा कहते हैं, लेकिन उस भावना को अलग रखते हुए आज वो ऐतिहासिक दंगल हो जिससे दोबारा हम यहाँ आने की कोशिश करें, लोग हमें बुला सकें। अगर हमारी बहन थोड़ा आगे आना चाह रही है तो उधर होके निकल आए, इधर होके आ जाएं। हाँ, मैं विनती करूं कर जोर के और जे बिनती करूं कर जोर के रे और तुम सभा सत सुन लीजिए। मैं विनती करूं, हजा भैया, मैं विनती करूं कर जोर के और तुम सभासद सुन लीजिए और जैसा सुना मैं आपको जरा गौर उस पर दीजिए, क्योंकि आज का एहसान ये और ये आज का एहसान ये रे अब ये आज का एहसान ये और होगा हमारे देना तुम्हारे हाथ में। परमादरणीय जनता जनार्दन,
श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय यहाँ की कमेटी, दूर दराज से आए रसियों के रसिक, हमारे पिता तुल्य वजर और माताएं बहनाएं प्यार करने योग्य बच्चे, मैं स्वर्गीय सत्तो शर्मा त्रोली वालों की तरफ से सभी के चरणों में सर रख करके नमस्कार कर रहा हूं। सभी लोग स्वीकार करें। नंबर अपना लेकर के शुरू है। रात भर आपको ये देखना है कि त्रोली वालों ने क्या कहा, हाथरस वालों ने उनका क्या जवाब दिया, और हाथरस वालों ने क्या कहा उसका जवाब त्रोली वालों की तरफ से क्या आया। हमारे रसियाबाजी में रीढ़ की जो हड्डी होती है वो होता है छंद, और यहाँ पहली बार रसिया हो रहे हैं इसलिए छंद को भी शॉर्ट करेंगे, रसिया को भी छोटा करेंगे और चीज का पूरा आनंद देने की कोशिश करेंगे। चीज पूरी सुनाई जाएगी। तो सबसे पहले छंद, आप सब लोगों ने यह प्रसंग सुना है जिस समय भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया और सीता मैया ने जैसे ही गले में माला डाली, धनुष की टंकार सुनकर के महेंद्र पर्वत से परशुराम चले आए और उन्होंने कहा, जनक बता जल्दी ये धनुआ किसने तोड़ा है और भरी सभा में सीता से बोल नाता किसने जोड़ा है। तो सब शांत हो गए, बोले अब कोई पेश पड़ेगी नहीं, परशुराम के सामने कोई बोल ही नहीं सकता, राम भी चुप खड़े हैं। और जब परशुराम बहुत बोलने लगे तो देखिए लक्ष्मण जी उनके सामने आए और लक्ष्मण जी ने कहा, इधर से लक्ष्मण जी का पक्ष है, उधर से बड़ा पक्ष है परशुराम जी, अब रात भर ये देखना है कि परशुराम जी क्या कहेंगे और लक्ष्मण जी इधर से क्या कहेंगे। बस उसकी जरा मैं बाको कर दूं काम। तो परशुराम ने कहा उसकी सूरत दिखा दे, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए आए और परशुराम ये हैं। परशुराम से लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, जिस भी व्यंग पे जिस लाइन पे भी आपको आनंद आए, तो टीवी सीरियल नहीं है, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट है, इसमें आनंद आए तो तालियों का प्यार होना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुनो बाबा, अरे व्यंग देखेंगे, अरे हमारो तुम पे कछु नहीं बिगड़े, अरे हमारो तुम पे
कछु ना बिगड़े। अरे हमारा तुम पे और कछु ना बिगड़े, और हम त्यारे हाथ झुनझुना दे जाएंगे। परशुराम जी के त्यारे हाथ झुनझुना दे जाएंगे, त्यारे हाथ झुनझुना दे जाएंगे, और रोक सको तो रोक ले ये दिल वाले दुनिया। और ये 100 रुपए राणा चरण स्वामी आशीर्वाद कामना करते हैं। अनुचित बोल रहे बाबा, अरे बाणी अनुचित बोल अरे रहे हो, अरे क्यों खुलवाए अपनी बोल रहे हो, अरे क्यों खुल भाई अपनी बोल रहे हो, और रस में घोल रहे हो, रस में विष तुम घोल रहे हो, रे रस में विष तुम घोल रहे हो। और ये रामचरण जी दोताना के प्रधान हैं, ये पहली बार में लेटरिंग बनवा रहे हैं, उनमें थे योजना में थे बचे। अरे नो तो खाए बारे जबाम ने, परशुराम से लक्ष्मण जी कह रहे थे, परशुराम ने कहा तू जानता नहीं। और ये हरपाल मेहमपाल 100 रुपए का पुरस्कार देते, अरे मेरे फरसे से कोई छत्री नहीं बचा। तो लक्ष्मण जी व्यंग करके कह रहे क्यों ज्यादा बन रहे हो, हम तुम्हें वो जानते हैं, सुनो। अरे नो तो खाए बाहर जे पामने, और जे कर रहे होड़ा होड़ी है, आज होड़ा होड़ी में कम से कम 15-15 कुल्लड़ खीर पी के आएंगे। ये बैठे कहाँ, यहीं है। अरे कर रहे होड़ा होड़ी है, और भैया और भाभी की रब ने ये सुंदर बनाए गई जोड़ी है, भैया और भाभी की रब ने सुंदर बनाए गई जोड़ी है, भैया और भाभी की रब ने। क्या बात है मेरे मित्र बच्चन, बन रहे भारी कभी नहीं मुनेराज, हमने कभी नहीं मुनेराज रे, कभी नहीं मुनेराज ये अपमान, हमने कभी नहीं मुनेराज। माँ साहब धुन बजाओगे गोरे रंग पे ना, इतना गुमान कर गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। आ
आज जमानो बदल गयो। जमानो कछु बदल जाए गुरु, लेकिन रसिया सुनवे वारे पूरे भारत में कम चले जाओ, रसिया तो कबो ना बदल सकते। और रसिया जब ही है जा में रस न हो वो रसिया काए को, तो वो आई लटका में होना चाहिए जो तुम्हारे जमाने में होकर तकाई बात दे। गोरे रंग पे गोरे रंग पे तू इतना गुआ न करे, गोरे रंग पे गोरे रंग पे तू इतना घुमा न कर, और गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। हरड़ा टाइम नहीं, अरे तू समाग पे परवाना और मुझको छूते ही तू जल जाएगा। गुरुदेव जमाना कोई भी हो, लेकिन मैं तो इतनी सी बात कहूंगा, निशाना फिट बैठा तो निशानी याद आ गई, और गुजरे जमाने की कहानी याद आ गई। गुरुदेव रुपया ले लो। अरे हसीना क्या देख ली तुमने अपने पहलू में, तुम्हें तो अपनी जवानी याद आ। भैया सबको मजा खराब मत करो यार, तुम अकेले पी आए हमें छोड़ के तो क्या बढ़िया बात हो रही है। होती भैया एक बात कह लो, कोई बुरी ना है, माता बहन बैठी है, मैं जानती हूँ, ऐसी बात ना है, कोई बुरी बात ना है, रसियों में मजा ही ना है तो आनंद किस बात का। हाँ बाबा यही मारे बैठे हैं, वो बैठे बाबा दे। के आई हूँ इस मंच पे और जलवा दिखा के जाऊंगी, के आई हूँ इस मंच पे और जलवा दिखा के जाऊंगी, इन नए नए लौंडों की चलती क्या, इन बाबा को अपना बना के जा। कौन से बाबन को मना भाई, इनको बैठे गए सफेद भौहें वाले, जिनकी तू बात करे गोरी वो ढंग निराले पड़ जाएंगे, जिनकी तू बात करे गोरी लेके ढंग निराले पड़ जाएंगे, इनके ढंग निराले पड़ जाएंगे, जो ज्यादा बोलते मैं फिल्म में उनकी जो बाप ताले पड़ जाएंगे। और ये राधा चरण जी तोताना के प्रधान है, लेकिन 50-50 बंदो यार, योजना तो 5-7 लाख तो कोई कमाई नहीं रही, उनकी जुबा पे ताले पड़ जाएंगे, कि तू बाबा को बनाएगी जब अपना तो चेहरा काले पड़ जाएंगे, बाबा को बनाएगी तू अपना तो जे चेहरा काले पड़ जाएंगे, अरे बाबा को बनाएगी तू अपना तो चेहरा काले पड़ जाएंगे। और अगर मैं सही बात कह दूं तो ताली उनको प्यार मिलना चाहिए, उनके चेहरा काले पड़ जाएंगे और तेरों कछु न बिगड़ेगो इनकी रोटिन के उलाले, मेरा कछु ना बिगड़ेगो इनकी रोटिन के लाले पड़ जाएंगे, अरे मेरा कछु ना बिगड़ेगो इनकी रोटिन के लाले पड़ जाएंगे। और ये 100 रुपया हमारे योगेंद्र भैया जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किस्सा सुना है, जिस समय पूरन मल की जो नई मौसी आई फूलंदे, फूलंदे ने एक बार संकपति तो बुड्ढे थे, एक बार गेंद के बहाने पूरन मल को देख लिया, और पूरन मल को
उन्होंने दर्द के बहाने से घर में बुलवाया और पूरे मल से उन्होंने फरमाइश की, बेटा तुम्हारे बाप तो बुढ़े हैं और कौन जाने क्या चल रहा है। तो देखिए पूरन मल उस मौसी से क्या कह रहा है और इधर से क्या जवाब आएगा मौसी का, ये आप लोग बताएंगे। अरे तू समझे मैं बोपन से नहीं, ए मौसी तू समझे मैं वो वंश नहीं, जो कहूं परवा को पूरन मासी है। महाराज जी मैं ऐसे कुल का हूं, पूरनमल कह रहे हैं अरे तू समझे मैं वो वंश नहीं, कहूं परवा को पूरन मासी है। तू समझे मैं वो वंश नहीं, कहूं परवा को पूरन मासी है। अरे तू समझे मैं वो वंश नहीं, कहूं परवा को पूरन मासी है। और देख मौसी तू तो तेरी तो गलत नीयत है, लेकिन तू मेरे बाप के लिए ब्याह के आई है तो तू मुझे वही है। कौन तू समझे मैं वो वंश नहीं, और कहूं परवा को जे पूरन मासी है। और ममता का तुझ में अंश नहीं, ये ममता का तुझ में अंश नहीं पर ममता का तुझ में अंश नहीं, पर पूरन को तो पूरन मासी है। मूरत माँ को मिला भगवान का दर्जा, ममता की होती मूरत माँ को मिला भगवान का दर्जा। है कि नहीं भगवान का दर्जा दिया है ना, सब लोग अपनी माँ को भगवान ही मानते हैं और मैं भी तुझे मानता हूं, लेकिन सुन। अरे ममता की होती मूरत माँ को मिला भगवान का दर्जा, लेकिन मैया अरे माँ ही जब बेटा पे हो जाए आशिक तो कैसे बचेगा दूध का कर्जा। अरे मैं नहीं कहता ये सबने कहा, अरे मैं नहीं कहता ये सबने कहा, मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है। राम से कन्हैया से जब भी पूछा गया महाराज भोजन कैसा लगा, बोले बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन माँ कौशल्या माँ यशोदा माँ सबरी के जैसा स्वाद नहीं है। पढ़ सकती पूरन मासी है, चाहे कोई कितना भी खिला ले, लेकिन माँ जैसा कोई नहीं खिला सकता। देखा होगा आपने जब छोटा बच्चा होता है एक स्तन पे अपनी लात मारता है और दूसरे स्तन को माँ फिर मुंह में देख करके पिलाती है, जो लात खा करके भी अगर खाना देती है तो वो संसार में माँ है और कोई दूसरा नहीं। अरे मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, पढ़ सकती पूरन मासी है। और सुन ले मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, पढ़ सकती पूरन मासी है। और मैं समझ गया हूं कि कौआ बन सकता हंस नहीं,
कौआ बन सकता हंस नहीं पर पूरन को तो पूरन बांस नहीं। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद राधे श्याम जी की तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया तुम चुपचाप रहो, अरे भैया तुम चुपचाप रहो, और सब आज बामनी बह जाएगी। अरे भैया तुम चुपचाप रहो, सब आज बेमनी बे जाएगी, और खामोश रहा तो यहाँ राम प्यारी वो गंगा मैली।